इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी महानगर अमन कमेटी एवं सर्वधर्म सेवा संगठन की ओर से कंपनी बाग मुरादाबाद स्थित गांधी प्रतिभा पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के राजसमंद में निर्भयता पूर्वक कत्ल किए गए अपराध जूल का कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई एवं 2 मिनट का मौन रख एक बेगुनाह इंसान की आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। इस संबंध में बताते हुए इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राशिद सैफी ने बताया कि आज ये श्रद्धांजलि सिर्फ एक इंसान अपराध जूल को नहीं बल्कि पूरी मानवता और इंसानियत को दी जा रही है, क्योंकि इंसानियत या मानवता अब हमारे देश हमारे समाज में जिंदा ही नहीं है। हर दिन राजसमंद के जैसे न जाने कितने बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया जा रहा है और एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करने जैसा है। और जब हमारे समाज में इंसानियत मर ही चुकी है तो उसे श्रद्धांजलि तो देनी ही पड़ेगी। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए आगे कहा कि आज हम ना जाने कैसा देश कैसा समाज बनाने पर तुले हुए हैं। हर तरफ नफरत ही नफरत पैर पसारे हुए है। इंसान जानवर होता जा रहा है और नरभक्षी होकर एक दूसरे का शिकार कर रहा है। इंसानियत और भाईचारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। वहीं इस अवसर पर राशिद सैफी, मौलाना उमर फारूक, नदीम मुकलम्मी, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद आरिफ रिजवान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अकरम, सिराज सैफी आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। महानगर अमन कमेटी, इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी और सर्वधर्म सेवा संगठन की ओर से आज यहाँ एक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया है कंपनी बाग में गांधी प्रतिमा के चरणों में, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और आज इस देश के अंदर नफरतें और हिंसा का दौर जारी है। आज आप देखिए एक इंसान दूसरे इंसान को किस बुरे तरीके से किस निर्ममता से काट काट कर मार देता है और ज़िंदा जला देता है। ये नफरत की पराकाष्ठा है और एक इंसान इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता, एक जानवर ही इस तरह का कृत्य कर सकता है, बल्कि नरभक्षी जो जानवर होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं मारते खाते हैं उस तरीके का ये कृत्य है। आज हमने यहाँ पर सोसाइटी की तरफ से हमने उस बेगुनाह व्यक्ति जो राजस्थान के राजसमंद में काट कर मार दिया गया जिंदा जला दिया गया उसकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी है और उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की है। तो कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी मुझे बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। राशिद भाई ने हमारे सब कुछ कह ही दिया और जो इस तरह की ये घटना हुई है राजस्थान में ये बहुत जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये एक मुसलमान या किसी मज़हब के एंगल से नहीं देखा जाए बल्कि इंसानियत के एंगल से देखा जाए तो ये इंसानियत का कत्ल है, ये गंगा जमनी तहजीब का कत्ल है। बस ऐसे मैं यही कहूँगा। महानगर वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस बारे में? महानगर वासियों से अपील यही कहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब के नाम से एक गंगा जमनी तहजीब हमारे यहाँ की मशहूर है। इंसानियत के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ हम लोग ज़िंदगी गुजारें और भाईचारे का मोहब्बत का पैगाम सबको दें। राजस्थान में जो घटना हुई है उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं, ऐसी घटना कहीं ना हो इसकी हम अपेक्षा भी करते हैं और हम कहते हैं कि भाई कुछ जैसी घटना हुई है उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी गंदी हरकत गलत हरकत कोई दूसरा आदमी ना कर सके। बाकी हम कुछ कह ही दिया, मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शुक्रिया। हमारे मौलाना उमर फारूक साहब ने आपको जैसा बताया कि राजस्थान में जो अमानवीय घटना घटी है उसके विरोध में हम लोग यहाँ गांधी प्रतिमा पर एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारा तो बस सिर्फ केवल इतना कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदों से कहाँ हमारा, हमने बड़े बहुत खून बड़े जज्बातों के साथ अपने देश की आज़ादी के लिए हम सब लोग एक साथ होकर के लड़े थे, आज हमें अलग किया जा रहा है दरकिनार किया जा रहा है, ये सब गलत है, अच्छा नहीं लगता, मन मर जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ हो।